हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग बिहार स्टेट का कंप्यूटर साइंस आर्किटेक्चर का पार्ट वन करने वाले हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन से। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड आईसी। आप लोग बताओ मुझे कि आईसी को इन्वेंट किसने किया है। तो आईसी को इन्वेंट किया है जे एस किल्वी ने। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि हु इन्वेंटेड माउस। देखिए, जितना कुछ इन्वेंशन का है ना, वो सारा इम्पोर्टेंट है। आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। आपको चाहे वो आईसी रहे, ट्रांजिस्टर रहे, रजिस्टर रहे, सबको याद करना पड़ेगा। हम धीरे धीरे करके आपको सारा देंगे, बट आप हमसे जुड़े रहे। तो हु इन्वेंटेड माउस, इसका आंसर हो जाएगा डब्लग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर आते हैं तीन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज। ये जो हम लोग इमेज देखते हैं स्क्रीन पे या भी उसका फोटो देखते हैं, वो किस चीज से बना होता है? वो पिक्सल से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी उसको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, कि व्हाट इज द शेप ऑफ अ पिक्सल। पिक्सल का शेप स्क्वायर शेप होता है, ना सर्किल, ना रोम्बस, ना डिस्क। क्वेश्चन नंबर आते हैं फाइव पे। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। जिस किसी ने भी बेसिक आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, थोड़ा एडवांस में कैश मेमोरी पढ़ा होगा, तो उनको पता होगा कि कैश मेमोरी काम करता है लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिक्स पे आते हैं कि फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे यूट्यूब पे जो बताएंगे कि इसका आंसर होगा रजिस्टर। एक्चुअली ये गलत है। एक कंप्यूटर सिस्टम में सबसे फास्टेस्ट और महंगा मेमोरी वो कैश मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं कि सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड। कैथोड क्या होगा आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि एलसीडी। देखिए, एलईडी होता है और एक एलसीडी होता है। तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी का होता है लिक्विड इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, तो टुडेज स्पीड ऑफ प्रिंटर किससे नापते हैं हम लोग? देखिए, सीपीएस भी ऑप्शन है, एलपीएम भी है, पीपीएम भी है, ये तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन क्वेश्चन में पढ़ रहा है कि आज का जो प्रिंटर है वो किस में हम नापते हैं? वो हम लोग नापते हैं पीपीएम में, पेज पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड। स्कैनिंग किसे रिपीट होता है? इसका हो जाएगा 10 का ए, रिफ्रेश रेट। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 नंबर पे, कि विच प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन ए लाइन एट ए टाइम। तो बहुत पुराना प्रिंटर था हम लोग का, डॉट प्रिंटर, ये हम लोग अभी यूज नहीं करते हैं, तो वो काफी स्लो प्रिंटर है। तो आगे आते हैं, इसके ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक रेजोल्यूशन हाई हो, जैसे वो 720 हो, 1080 4K हो, 2K हो, तो किसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पिक्स नंबर ऑफ पिक्सल बहुत ज्यादा है, और अगर नंबर पिक्सल बहुत ज्यादा है तो सिंपल है, पिक्सल का बहुत क्लोज होंगे आपस में। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 नंबर पे। देखिए, सारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यूट्यूब पे बेसिक क्वेश्चन मिलेगा, पर एग्जाम में यकीन मानिए क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे। तो हमसे जुड़े रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन आईसी चिप। देखिए, आईसी चिप बनता है हम लोग का सिलिकॉन से बनता है, वो सेमीकंडक्टर में काम आता है। नंबर ऑफ बिट यूज्ड इन ASCII कोड। देखिए, दो तरह का कोड होता है, एक होता है एक्सटेंडेड ASCII कोड, एक होता है ASCII कोड। तो अगर ASCII कोड रहा है तो 7 मारेगा, और अगर रहा है एक्सटेंडेड ASCII कोड तो उसमें आपको 8 मारना है। ये गलती नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, कि हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा विंटेन ग्रेकर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, चार्ल्स बैबेज की स्टूडेंट थी जिसका नाम था लेडी अडा लवलेस, ये असल एक प्रिंसेस थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। देखिए, हम हमेशा पढ़ते होंगे जॉन वुडमैन आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस रहता है, एक आउटपुट डिवाइस रहता है, और एक मेमोरी रहता है। तो इस सिस्टम पे हम लोग का जितना भी कंप्यूटर है सब इसी पे काम करता है। इसका हो जाएगा 17 का ए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, हु इज द फादर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली इसके फादर कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, इन पी EPROM, डेटा डिलीटेड बाई। देखिए, PROM होता है, EPROM होता है, और EEPROM होता है। अगर क्वेश्चन में रहा है डबल EPROM रहे, तो उसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर की बात कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, अल्ट्रा वायलेट लाइट। क्वेश्चन नंबर 20, और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट ऑफ विच एंगल।
एक जॉयस्टिक किस एंगल पे घूमता है? जो लोग गेम खेले हैं उनको पता होगा, पर जो लोग गेम नहीं खेले होगा उनको नहीं पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और वेट करें अगले वीडियो का। थैंक यू।